हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल की सभी सरकारी नौकरियों की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो में इस महीने के सभी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी दी जाएगी और इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने उसके बारे में डिटेल में जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप यहां से ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर लेना चाहिए। इसमें आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा जो आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेंगे। उसके अलावा मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, रेगुलर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी और उनका पर्सनल कोच के द्वारा फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल कोच के द्वारा आपका स्टडी प्लानर तैयार किया जाएगा, उसको सप्ताह में दो बार रिव्यू करके बताया जाएगा और आपकी पूरी पढ़ाई जो है अनअकैडमी के टॉप एक्सपर्ट की गाइडलाइन में होगी और मेंस के टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी। इसके साथ ही इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको सारा एक्सेस दिया जाएगा सभी बैचेस का। आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर ले लेना चाहिए। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। वहां पर आप प्लान लेने से पहले एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। इसमें आपको लगभग 6000 से लेकर 15000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करना होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पहली जॉब की, जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक द्वारा निकाली गई है। इसमें क्लर्क की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, सेल्समैन की वैकेंसी है, गोडाउन कीपर की वैकेंसी है, टाइपिस्ट की वैकेंसी है, कैशियर तथा स्टोर कीपर की वैकेंसी है। टोटल 385 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी। लास्ट डेट 20 अप्रैल 2021 है। जिन लोगों को अप्लाई करना है आप इस बटन पर क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली जॉब की, जो छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा निकाली गई है। इसमें मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक की वैकेंसी है। टोटल 168 वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। जॉब लोकेशन आपका छत्तीसगढ़ होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 अप्रैल 2021 है। आप इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दें। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब बात करते हैं अगली जॉब की, जो यूपी टीजीटी पीजीटी के टीचर्स की है। इसमें 15,508 वैकेंसी है। टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 अप्रैल 2021 है और जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश होगी। अगली जॉब जो आपकी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा निकाली गई है। इसमें कई प्रकार के वैकेंसी है, 1,809 पद है टोटल और इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 अप्रैल है और जॉब लोकेशन आपकी नई दिल्ली है। अगली जॉब जो है बिहार सरकार द्वारा निकाली गई है। इसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी की वैकेंसी है। टोटल 55 पद हैं। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2021 है और जॉब लोकेशन आपकी बिहार है। डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अगली जॉब जो है दिल्ली पोस्ट ऑफिस द्वारा निकाली गई है। इसमें स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 9 वैकेंसी हैं और इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और लाइट व्हीकल ड्राइविंग मोटर लाइसेंस होना चाहिए। एप्लीकेशन का फॉर्म आप 6 अप्रैल तक भर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस बटन पर क्लिक करें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। अगली जॉब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निकाली गई है। इसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, प्लाटून कमांडर की वैकेंसी है, अग्निशमन अधिकारी की वैकेंसी है। टोटल 9,534 वैकेंसी हैं और इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल 2021 है और जॉब लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश होगा। डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अब बात करते हैं अगली जॉब की, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई है। इसमें समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। टोटल 337 वैकेंसी है और इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए।
फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 5 अप्रैल 2021 है और जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगली जॉब की जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, टोटल 9 वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 अप्रैल है। डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अगली जॉब जो है छत्तीसगढ़ पोस्ट ऑफिस द्वारा निकाली गई है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है, टोटल 1137 वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 7 अप्रैल 2021 है। जॉब लोकेशन इसमें छत्तीसगढ़ है। डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अब बात करते हैं अगली जॉब की जो उड़ीसा सरकार द्वारा निकाली गई है। इसमें टीचर की वैकेंसी है, पीजीटी टीचर की, टोटल 139 वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। जॉब लोकेशन आपकी 23 अप्रैल 2021 है। जॉब लोकेशन आपकी उड़ीसा है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 23 अप्रैल 2021 है। अगली जॉब जो है इंडियन आर्मी द्वारा निकाली गई है, एआरओ रोहतक द्वारा। इसमें सोल्जर की वैकेंसी है, ये खुली भर्ती है। इसमें 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तथा जो लोग ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 8वीं पास होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 17 अप्रैल है और जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। अगली जॉब जो है उत्तर प्रदेश मेट्रो द्वारा निकाली गई है। इसमें कंट्रोलर की वैकेंसी है, कंट्रोलर तथा असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। टोटल 292 वैकेंसी हैं और इसके लिए कैंडिडेट को डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर आईटीआई पास होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसके लिए कैंडिडेट को 2 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जॉब लोकेशन आपकी लखनऊ होगी। तो जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़कर एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।